अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस मोहम्मद इब्राहिम। प्यारे बच्चों, दी गई सरगर्मी से आपने जान ही लिया है कि हमारे पांच हिस्से आ जाए, आंख, कान, नाक, जबान और जिल्द। प्यारे बच्चों, फर्ज करें कि आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं और गिर गए, तो आपके गिरने की वजह क्या थी? हाँ, वजह थी अंधेरा और आग से ना दिखाई देने वाला गढ़ा। प्यारे बच्चों, इससे हमें ये समझ में आया कि आग का शुमार हिस्से आजा में होता है। प्यारे बच्चों, आओ अब आग इस हिस्से उजू के बारे में मजीद मालूम हासिल करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि आग का इस्तेमाल हम देखने के लिए करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आग का इस्तेमाल और कब कब होता है? जी, आग का इस्तेमाल हम रंग पहचानने के लिए भी करते हैं। आम किस रंग का है, धनक में कितने रंग होते हैं, सेब किस रंग का है और तख्तीसिया पर क्या लिखा हुआ है। और हाँ, इसी तरह हम आग का इस्तेमाल शक्लों को पहचानने के लिए भी करते हैं। के नजर आने वाली हर चीज देखने के लिए हम आग का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, आग का इस्तेमाल और किस काम के लिए होता है, आइए ये जानते हैं। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? हाँ, यही ना कि रेल स्टेशन से बहुत दूर है। प्यारे बच्चों, अब इस तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। इस तस्वीर में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? हाँ, इस तस्वीर में रेल स्टेशन से बहुत करीब है, इसका अंदाजा भी हम आग की मदद से करते हैं।